यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक एडवांस लेवल का एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए। मैं इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा इलस्ट्रेशन है ये। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, देखो ये है पुली, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक एम मास का, ये ब्लॉक 2M मास का। होता क्या है, ध्यान से देखो, होता ये है ये कि एक बुलेट है ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी एम मास की है, और ये बुलेट यू स्पीड से एंटर करती है इस ब्लॉक के अंदर, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। देखो हुआ क्या, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, दो ब्लॉक है, ठीक है ना, धागे से लटक रहे हैं, ऐसे बराबर बराबर पड़े हैं, पकड़ रखा है इनको। अगर आप सोचो कि सर एक्सिलरेशन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, रिलीज्ड है, पकड़ रखा है अभी। जैसे ही छोड़ता हूँ ना, जैसे ही इनको छोड़ता हूँ, तो आपको सबको पता है 2M वाला नीचे आएगा, एम वाला ऊपर जाएगा, सबको पता है। तो जैसे ही मैंने छोड़ा ना, तो एम वाले ब्लॉक के अंदर नीचे से बुलेट घुस गई। जैसे ही मैंने छोड़ा, एम वाले ब्लॉक के अंदर नीचे से बुलेट घुस गई, तो क्या होगा, धागा स्लैक हो जाएगा, धागा टाइट नहीं रहेगा। देखो बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इधर एम मास का ब्लॉक, इधर 2M मास का ब्लॉक, धागा टाइट है, पकड़ रखे हैं दोनों ब्लॉक को, धागा टाइट करके पकड़ रखा है बिल्कुल बीच में, ठीक है ना। अब क्या किया, जैसे ही मैंने ब्लॉक छोड़े, वैसे ही एम वाले ब्लॉक के अंदर नीचे से बुलेट घुसा दी। बुलेट घुसते ही धागा क्या हुआ, एकदम से ढीला हो गया, धागा स्लैक हो गया। तो आपसे पूछे फाइंड टाइम आफ्टर विच, कितनी देर बाद धागा दोबारा टाइट हो जाएगा, कितनी देर बाद धागा दोबारा टाइट हो जाएगा, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट सडनली एट द इंस्टेंट व्हेन द बुलेट गेट एम्बेडेड इन द ब्लॉक ए। जैसे ही बुलेट ब्लॉक ए में घुसती है, उसी समय धागा ढीला हो गया, और दोबारा धागा टाइट, वहां से अगर टाइम गिनना शुरू करूं तो कितनी देर बाद हो जाएगा, ये हमारा सवाल है। सबसे पुरंता बात तो ये है कि जैसे ही बुलेट इसके अंदर घुसती है, जैसे ही बुलेट इसके अंदर घुसती है, तो इसने दिया बुलेट को कितना, देखो जैसे ही बुलेट इसके अंदर घुसती है, तो इसके पास क्या है, बुलेट के पास अगर बुलेट को देखें, उसी क्षण पे देख रहा हूँ जब बुलेट घुसने वाली है, ये बुलेट है, ये रही बुलेट। बुलेट घुसी ब्लॉक के अंदर, तो ब्लॉक ने बुलेट पे फोर्स लगाया एन, नीचे एम मास की बुलेट थी, यू वेलोसिटी से चल रही थी, और घुसते ही ब्लॉक और बुलेट इकट्ठे हो गए और वी वेलोसिटी से चलना शुरू हो गए ऊपर। बोलो समझ में आती है बात, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो आपको समझ में एक बात आनी चाहिए कि माइनस एन डी टी, मैं नीचे नेगेटिव ले रहा हूँ, ऊपर पॉजिटिव ले रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान रखना। मेरे लिए ऊपर की चीज़ें सारी पॉजिटिव हैं और नीचे की चीज़ें सारी नेगेटिव हैं। तो एन नीचे है, तो एन का इम्पल्स नेगेटिव है, ये मोमेंटम में चेंज कराएगा एम वी माइनस एम यू। यही क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए आपको, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बोलो समझ में आती है ये बात, कोई बच्चे को दिक्कत आती है तो बता सकता है वो, ठीक है। एक बात बताओ, जैसे ही बुलेट उसके अंदर घुसी, टेंशन खत्म हो गई ना, टेंशन क्या हो गई, खत्म हो गई। तो टेंशन खत्म हो गई, तो इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाने वाला कौन बचा, इस बुलेट ने जो फोर्स लगाया वो बचा, टेंशन नहीं बची, धागा तो क्या हो गया, ढीला हो गया। तो मैं ब्लॉक ए बना रहा हूं, ब्लॉक ए की कहानी समझो, ये है ब्लॉक ए। अब धागे वाला फोर्स नहीं बचा क्योंकि धागा ढीला हो चुका है, धागे वाला फोर्स सिर्फ तब तक होता है जब तक धागा टाइट रहता है, ठीक है ना, पक्का। तो ये है ब्लॉक ए एम मास का। तो बुलेट ने इस पैन लगाया, तभी तो बुलेट, ये बुलेट का बुलेट पैन नहीं लगा था ऑपोजिट, तो बुलेट ने ब्लॉक को लगाया था ना एम, ये ब्लॉक ए, ये रेस्ट पे था, रिलीज किया ना इसको, तो इसको वी वेलोसिटी मिल गई। तो भैया एन डी टी ऊपर है और एम वी है, पर इनिशियल जीरो है, तो माइनस एन डी टी लगाऊंगा, एम यू माइनस एम वी इक्वल टू एम वी, तो मेरे पास वी आ गया यू बाई टू। बहुत सुंदर कहानियाँ आ रही हैं, देखो मज़ेदार कहानियाँ आ रही हैं। जैसे ही बुलेट इसके अंदर घुसी, कहानी समझो, ये बनी है कि ये ऐसे पड़ा है, देखो ध्यान से, और ये ऐसे पड़ा है, ये दोनों रेस्ट पे हैं, लेकिन 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 इसको एकदम से वेलोसिटी मिल चुकी है यू बाई टू। बोलो समझ में आनी चाहिए बात, है ना, और इसका मास भी अब हो चुका है 2m और इसका मास भी है 2m। कहानी समझो, कहानी सही है। अचानक से इसको स्पीड मिल गई, उस स्पीड मिलते ही ये धागा यहाँ से ढीला हो गया, ये ब्लॉक ऊपर चला गया L, ढंग से समझना कहानी, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये धागा यहाँ से यहाँ पहुँचेगा,
नहीं समझ में आ रही कहानी। ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचेगा, एल चलेगा, तो दोबारा धागा टाइट तभी होगा जब ये वाला ब्लॉक नीचे एल आ जाएगा। नहीं समझ भाई, ये धागा टाइट है इस समय यहां से और यहां से, यहां से यहां से टाइट है। मैं कह रहा हूं ये धागा यहां से ढीला हो गया, ऐसे ढीला हो गया है ना, पक्का। तो धागा स्लैक हो गया, एल एल रस्सी स्लैक हो गई। तो यहां से अगर एल रस्सी नीचे आएगी तो दोबारा टाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब कहानी समझो 2m वाले, इस वाले की कहानी समझो, ब्लॉक बी की कहानी समझो, ब्लॉक बी की कहानी समझते हो तो आप लगाओगे चला एल माइनस का एल नीचे चला। अच्छा एक बात बताओ, इसको चलाने वाला कौन है? सिंपल फ्री फॉल करेगा भाई, ग्रेविटी है। क्यों स्लैग है धागा इस समय? जब तक यहां तक नहीं आता तब तक तो धागा स्लैग है। इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। इसको चलाने वाला कौन है भाई? इसको चलाने वाला कौन है मुझे कोई ये बता दो। इसको चलाने वाला है यू बाई टू स्पीड है ना। तो चलना कितना है? इसने ऊपर चलना है तो ऊपर पॉजिटिव है, तो यू बाई टू चलाने वाला है टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये भी फ्री फॉल है। समझ में आ रही है? इसको भी ग्रेविटी, भी धागे का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है ना। सही, उठाकर एल इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर यहां डाल दो तो यू टी बाई टू बन गया जी टी स्क्वायर, टी से टी एक उड़ा दो तो टी बन गया यू बाई टू जी। इस समय इतनी देर के बाद धागा फिर से टाइट हो जाएगा। आफ्टर टाइम इक्वल टू यू बाई टू जी स्ट्रिंग विल अगेन टाइट।